हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल्ड रेसिपी। ये जितने भी वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, आलू, गाजर, बीटरूट और गोभी, ये सारी भाजी की रेसिपी है जिसको हम उबालेंगे और अच्छे से मैश करेंगे। अभी जितनी भी मैं इंग्रेडिएंट्स लूँगी वो कम से कम 8 से 9 लोगों के लिए है, तो आप जितने लोगों के लिए भी बना रहे हैं उसको देखते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को लीजिएगा। तो अब सबसे पहले गोभी को हम उबालेंगे, क्योंकि इसका स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, तो बाकी सब्जियों में इसका स्मेल ना आ जाए। तो इसे एक बार कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसे फिर स्ट्रेन कर लें और फिर से साफ़ पानी चढ़ा दें और फिर सारे वेजिटेबल्स को इसमें डाल के कम से कम 3 से 4 सीटी दिलवाना है। मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम फ्रोजन मटर लिया है और स्वाद अनुसार नमक, बट मेक श्योर कि आप नमक डालते समय थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि भाजी के मसाले को फ्राई करते समय उसमें भी नमक हमें डालना है। आप कुकर का लिड क्लोज कर दे और इसे कम से कम 3 से 4 सीटी देने तक छोड़ दे। चार सीटी के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। इसे अच्छे से मैश करने के बाद इसे साइड में रख दे, क्योंकि अब हम भाजी के मसाले की तैयारी करेंगे। भाजी के मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 2 बड़े प्याज, 2 मीडियम साइज्ड शिमला मिर्च और 3 से 4 ग्रीन चिली। इन सभी को अच्छे से छोटे साइज में चॉप कर लेना है। भाजी को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे बटर और रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मैं रिफाइन ऑयल को बटर के साथ इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि बटर ज़्यादा गर्म होने पर जले नहीं। आप बटर और रिफाइन ऑयल की क्वांटिटी को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप तेल और बटर को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद ही उसमें 1 चम्मच जीरा डालें, उसके बाद उसमें प्याज डालें और उसे अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई करें। 1 मिनट बाद हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पे अदरक 1 चम्मच और लहसुन भी 1 चम्मच लिया है। इसे भी 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जब 1 मिनट हो जाएगा तो हम उसमें ग्रीन चिली और शिमला मिर्च डालेंगे, फिर इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब 1 से 2 मिनट हो जाएगा तो उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, मेक श्योर कि आप नमक डालते समय केयरफुल रहे, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था सब्जियों को उबालते समय। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और तब तक उसे फ्राई करें जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता। जब टमाटर गल जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिला लें, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर मैं इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन सारे मसाले को अच्छे से मिलाकर इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें 3 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। ये रेडीमेड मार्केट में आपको मिल जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए। सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें बॉइल्ड और मैश किए हुए जितने भी वेजिटेबल्स थे सारे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा ग्लास पानी डाला है। इसमें आप ग्रेवी की थिकनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और वाटर डाल सकते हैं, पर अगर ग्रेवी की थिकनेस बहुत ज़्यादा पतली होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। मैं यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चुटकी फूड कलर लिया है। पानी डालने के बाद जब ये अच्छे से उबल जाए तो हम इसमें धनिया पत्ते से गार्निशिंग करेंगे और 1-2 चम्मच बटर डालेंगे। इसे अच्छे से मिला ले ताकि बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए। नाउ भाजी इज रेडी टू ईट। अब हम पाव की तैयारी करेंगे। इस तरह के पैन या तवे में हम बटर लेंगे 1 चम्मच, इसे अच्छे से मेल्ट होने दे, उसके बाद उसमें 1 चम्मच भाजी डालेंगे। इसे अच्छे से मिला ले, फिर पाव को दोनों तरफ से अच्छे से इस पर रख के सेक लेंगे। अब पाव भी बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये थी पाव भाजी की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।